हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल राय है और आप देख रहे हैं डिजिटल काका। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि गूगल एडसेंस जो है आपके अकाउंट को अप्रूवल देता है कुछ शर्तों के साथ। अगर आपने उन शर्तों को फॉलो नहीं किया तो आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट जो है कभी भी रिजेक्ट हो सकता है और उस पर एड लिमिट आ सकती है। तो ऐसे में अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप एक ब्लॉगर्स हैं तो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि कैसे आप अपने गूगल के एडसेंस अकाउंट को सेफ रख सकते हैं। तो अगर आप अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट को सेफ रखना चाहते हैं तो कुछ बातों का बहुत ही ध्यान देना होगा आपको, जो आज की इस वीडियो में मैं को बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप अपने एडसेंस के अकाउंट को सेफ रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों से, अगर अभी तक आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर देना, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो पॉइंट नंबर वन है, इनवैलिड सेल्फ क्लिक। इसमें क्या है कि अगर आप अपनी वेबसाइट और यूट्यूब वीडियो के एड्स पे खुद से क्लिक करते हैं तो यहां पे क्या है कि आपका एडसेंस का अकाउंट जो है इस पे एड लिमिट आ सकती है और आपका एडसेंस का अकाउंट जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपको खुद से अपने वेबसाइट के एड पे या अपने ब्लॉग के एड पे या अपने YouTube वीडियो के एड्स पे क्लिक नहीं करना है। पॉइंट नंबर टू, इनवैलिड सोशल ट्रैफिक क्लिक। अगर आपके सोशल मीडिया से जो ट्रैफिक आ रहा है आपकी वेबसाइट पे या आपके चैनल पे और बिना वजह आपके एड पे क्लिक कर रहा है तो ऐसे में क्या है कि इसको इनवैलिड ट्रैफिक माना जाएगा। बेसिकली जो सोशल मीडिया के ट्रैफिक जो होते हैं उनके क्लिक्स बेसिकली जो होता है फेकी होता है, तो ऐसे में क्या है कि एडसेंस इसको भी इनवैलिड मानता है। और मोस्टली जो सोशल मीडिया से क्लिक्स आते हैं जो जेन्युइन, वो 6-8% ही माना जाता है। तो ऐसे में बिना वजह अगर आपके सोशल साइट से ट्रैफिक आके एड्स पे क्लिक कर रहा है तो उसको इनवैलिड माना जाएगा और आपके एडसेंस को हमेशा के लिए रिजेक्ट किया जा सकता है। पॉइंट नंबर थ्री, सोशल पेड ट्रैफिक। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए वो पेड ट्रैफिक का सहारा लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी थर्ड पार्टी साइट से पेड ट्रैफिक ला रहे हैं तो यहाँ पे भी जो इनवैलिड माना जाएगा। ऐसे में ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए वेबसाइट के लिए और पेड ट्रैफिक के लिए गूगल एडवर्ड्स ही सबसे सही माना जाता है। तो अगर आप चाहते हैं ट्रैफिक को इनक्रीज करना अपने ब्लॉग पे तो आप गूगल एडवर्ड्स के थ्रू ला सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी के थ्रू आप ला रहे हैं तो ये आपके एडसेंस अकाउंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर फोर, बोट एंड इनवैलिड ट्रैफिक। मोस्टली क्या है कि अगर आपके वेबसाइट के या ब्लॉग के एड्स पे ट्रैफिक जो आ रहा है बोट के थ्रू आ रहा है, बोट के थ्रू क्लिक आ रहा है, तो ये आपके चैनल के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा है। यहाँ पे एड लिमिट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या है कि आपको इनवैलिड क्लिक प्लगइन्स का यूज़ करना होगा वर्डप्रेस में। इससे क्या है कि जो इनवैलिड क्लिक्स और जो ट्रैफिक होगा इसको आपका ये प्लगइन जो है ब्लॉक कर देगा, जिससे आपका एडसेंस का अकाउंट सुरक्षित रहेगा। पॉइंट नंबर फाइव, इलीगल कंटेंट। तो दोस्तों, अगर आप अपने ब्लॉग पे अवैध कंटेंट डाल रहे हैं, कोई अश्लील कंटेंट इस तरह का पोस्ट कर रहे हैं तो ये भी आपके एडसेंस अकाउंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। यहाँ पे भी आपका एडसेंस का अकाउंट जो है रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इस बात का आप ध्यान दें कि आप जो ब्लॉग में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो कहीं से भी अश्लील नहीं है, कहीं से भी अवैधानिक नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान देना होता है आपको। पॉइंट नंबर सिक्स, कंटेंट दैट प्रमोट वायलेंस। तो दोस्तों, अगर आप अपने ब्लॉग पे या आप अपनी वीडियो में कुछ इस तरह से कंटेंट बना रहे हैं जो किसी वायलेंस को बढ़ावा दे रहा है तो ये भी आपके चैनल के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। और ऐसे में एडसेंस ने अपना अपडेट भी लाया है कि जैसे आप देख रहे होंगे कि रिसेंटली जो यूक्रेन का वार हुआ है तो इससे रिलेटेड अगर किसी ने भी कंटेंट क्रिएट किया तो उसके एड को एड लिमिट लगा दिया गया है उसके एडसेंस अकाउंट में, उसके एडसेंस अकाउंट को रिजेक्ट भी किया गया है। तो इस बात को आपको बहुत ध्यान देना होगा कि कहीं पे भी किसी भी ऐसे कंटेंट को आपको नहीं डालना है जो वॉर से रिलेटेड, जो वायलेंस क्रिएट करे, जो लोगों में द्वेष की भावना क्रिएट करे। तो इस बात का भी आपको बहुत ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, ये जो सिक्स पॉइंट मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया, अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो आपके एडसेंस के अकाउंट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका एडसेंस का अकाउंट जो है सेफ रहेगा। अगर आप चाहते हैं अपने साइट पर ट्रैफिक लाना तो सबसे वैलिड ट्रैफिक ऑर्गेनिक होता है, और पेड में अगर आप जाना चाहते हैं तो गूगल एडवर्ड्स का ही होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी, तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।